सत्संग का मतलब आयोजन तो पूरा हो जाता है पर घर बैठे रोज सत्संग हो, और रोज सत्संग माने जो गुरुमुख से सुना है उसको अपने जीवन का अंग बनाना। सत्संग का मतलब जिन गुरुदेव को हम मानते हैं उन पर अटल भरोसा करना। सत्संग का मतलब हमारे पास जो बल है, जो समय है, जो संपत्ति है, जितनी भी भगवान ने दी है उसका सदुपयोग किया जाए तो सत्संग है। ऐसा सत्संग जो करते हैं उनको भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति से उपासना और उपासना से सत्व की प्राप्ति और सत्व से आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। ये मानेंगे हम कि जीवन बड़ा कठोर है, बहुत ग्रस्त जीवन में रहने वाले आप सभी जो भी हैं, घर में क्या क्या समस्याएं आती हैं वो आपसे अनजानी नहीं है। जीवन जरूरी हर चीज आप देखो महंगी है, पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया, मुझे कोई बता रहे थे 4 रुपया है, कितना 3 रुपए 3 रुपए 50 पैसे पेट्रोल का भाव बढ़ गया। जीवन जरूरी जो जो चीजें हैं महंगी होती चली जा रही, पेट्रोल महंगा हो गया पर जो गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं उनकी आमदनी थोड़ी बड़ी। ऑफिसों में काम करते हैं, कहीं भी मोटरसाइकिल से आते जाते हैं पूरे दिल्ली में, तो उनकी आमदनी तो नहीं बढ़ी ना, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। और भी ऐसी कई जीवन जरूरी चीजें हैं जो महंगी होती जा रही। ऐसे में एकमात्र उपाय है सुख पाने का कि सत्संग, सत्संग से भक्ति बढ़े, उपासना बढ़े, तो जीवन में समता और शांति बनी रहेगी। और जीवन में साथ, आज मैंने सोचा मैं ये आपके आगे रखूं, अभी थोड़ी देर निवास पे जहां मैं ठहरा था तो सोच रहा था कि आपके आगे कौन सी बातें रखूं जिससे आपको भी और मेरे को भी फायदा हो। तो सफलता के 7 सूत्र आज मैंने सोचा आपके आगे रखूं, जिनको मैं भी आत्मसात करूं और आप सभी भाई बहने भी आत्मसात करें, जिससे हमें कदम कदम पे सफलता प्राप्त हो। और ये सफलता के 7 सूत्र बड़े सरल हैं, कठिन नहीं है। हम कोई अपने जीवन में उनको क्रियान्वित न कर सके ऐसे भी नहीं है। 7ों 7 सफलता के 7 सूत्र हम सभी अपने जीवन में उनको आत्मसात कर सकते और उसके द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ही, इसमें कोई शंका नहीं है। ये 7 सूत्र ही सफलता के हैं, व्यवहार में भी परमार्थ में भी, दोनों में सफलता मिले। संगीत बंसी से निकलता है, मूसल से नहीं। मूसल से क्या संगीत निकलेगा? मक्खन दही से निकलता है, पानी से नहीं। उसी प्रकार आप जैसे सत्संगी पुण्य आत्मा जो इतनी कठिनाइयां सहकर भी सत्संग में बैठे रहते हैं,
गर्मी बड़ी कठिनाई है। मैंने शायद कल कहा था, मुझे साधकों में तीन बातें देखने को मिलती है, तपस्या, वैराग्य और शरणागति। तीन बातें। तपस्या मतलब आंखें बंद करके हिमालय में बैठ जाना नहीं, अपन दिल्ली में बैठे हैं। तपस्या मतलब अपने मन के प्रतिकूल कुछ भी हो उसको हंसते हंसते सह लेना, ये तपस्या है। गर्मी सबको अनुकूल थोड़ी आती, मजा थोड़ी आता है, आहा हा कितनी गर्मी लग रही, आहा हा मजा आ गया, आहा वाह क्या गर्मी है, आहा हा ऐसा थोड़ी होता है। अरे तोबा गर्मी है, ला भाई हाथ पंखा चला तू थोड़ा। तो प्रतिकूलता सहकर भी आप अपने स्थान पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं, जो मिल गया जैसा मिल गया जहां मिल गया थोड़ा खा लिया। घर जैसा भोजन थोड़ी अपने को मिल सकता है। तो इतना आप में है, इसलिए मैंने कहा संगीत बंसी से निकलता है, मूसल से नहीं, मक्खन दही से निकलता है, पानी से नहीं। तो ये सफलता के सात सूत्र आप जैसे पवित्र आत्मा साधकों को जानने में आएंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में, व्यवहार में भी, आप घर पे रहते तो उपार्जन पैसा भी चाहिए ना, और आप जैसे सज्जनों के पास पैसा होगा तो अच्छे काम में लगेगा। शराबी के पास पैसा होगा शराब कबाब में लगाएगा, सज्जनों के पास धन होगा वो सेवा के काम करेंगे। और सज्जनों की संतान भी सज्जन होगी। तो सफलता के सात सूत्र, और इस कलिकाल में हम निश्चित रूप से इन सातों को आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग की ऐसी महिमा भागवत में गाई है, कली सभा जन त्यार्या गुणज्ञा सार भगिना। कलयुग में दोष बहुत है, बहुत दोष है, परंतु गुणवान लोग सार खोज लेते हैं। गुणज्ञा सार भगिना, जैसे किसी को किसी सेठ से रुपया उधार लेना हो, लाख दो लाख रुपया, तो वो रुपया उधार ले लेगा, अपना काम शुरू कर देगा जो अटका हुआ है उसका। रुपया उधार लेने वाला ये नहीं सोचेगा कि सेठ दारू पीता है कि नहीं पीता, अगर दारू नहीं पीता हो तो ही पैसा लूं, नहीं तो नहीं लूं, ऐसा थोड़ी होगा, लिया काम बना लिया। तो गुणवान लोग कलयुग में दोष अनेक होते हुए भी सार ग्रहण कर लेते, और सार क्या है, यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। श्रेष्ठ लोग कलयुग का आदर करते हैं, दोष सब जगह रहते हैं, अपना काम बना लो। रसोई घर में खड़े रहते हैं, बहनों को अनुभव, रसोई घर में खड़े रहते हैं खाना बनाने के लिए, कितनी गर्मी होती है, ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि मरने दो इतनी गर्मी होती है कौन खाना बनाए, चलो पंखा चालू करके बैठ जाते हैं उधर। नहीं, गर्मी हो रही है, प्रतिकूलता है, पर फिर भी भोजन बनाना है, अपना काम बना लो, चलो। ऐसे ही कलयुग में दोष बहुत है, पर अपना काम बना लो, सार ग्रहण कर ले। सार ये है, यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। भगवान नाम जप कीर्तन से सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते, सारे